हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आज जीए डोज की दूसरी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैंने इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुट अप किए हैं और जो कि सुपर टेट में मोस्टली 5 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी लगाइए क्वेश्चन और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व पर्यावरण 2020 की मुख्य थीम क्या है? यस, प्रकृति के लिए समय, नेचर फॉर टाइम। विश्व पर्यावरण 2020 की जो मुख्य थीम है वो प्रकृति के लिए समय है। क्वेश्चन नंबर टू है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है? आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही, हिंदी और उर्दू पहली राजकीय भाषा है और उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन जीव विहार है? आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर है लाख बाहुसी पक्षी वन जीव विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, राज्य ललित कला अकादमी है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया आंसर लखनऊ तो बिल्कुल सही, लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? बहुत बढ़िया, अगर आपने आंसर दिया है श्री रामनाथ कोविंद तो बिल्कुल सही। और किस नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब हुआ? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने बताया है 16 अक्टूबर 2018 तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? आंसर बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर दिया है श्रीमती निर्मला सीतारमण तो बिल्कुल सही, इससे पहले जो थी वो भारत की रक्षा मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व की सबसे गहरी झील? उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया बैकाल झील तो बिल्कुल सही, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर आंसर दिया आपने कानपुर तो बिल्कुल सही, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है मंदक के रूप में तो बिल्कुल सही है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनका किसकी पुस्तक है? आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है मैगस्थनीस तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने बताया ऋग्वेद तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 101 तो बिल्कुल सही, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 15, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग किसके कारण होता है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव के शरीर में पाई जाने वाली लंबी हड्डी कौन सी है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फीमर। फीमर जो है मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है और ये कहाँ पाई जाती है? जांग में। क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया पीयूष ग्रंथ तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है बताइए जल्दी से दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया फ्रक्टोज तो बिल्कुल सही, फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमरस अस्थि कहाँ होती है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ऊपरी भुजा तो बिल्कुल सही, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 21, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा रचयिता कौन है दोस्तों? उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आपने उत्तर दिया है श्यामलाल गुप्ता पार्षद तो बिल्कुल सही, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया आंसर नागपुर तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है सिट्रिक अम्ल तो बिल्कुल सही, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, केला का कायिक प्रवर्धन होता है? आंसर दीजिए दोस्तों, तने द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है।
क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 27, नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया आंसर सीपीयू तो बिल्कुल सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया चार्ल्स बेबेज तो बिल्कुल सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और दोस्तों मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सुपर टेट में 5 नंबर के आते ही आते हैं, मैं आपको करवाता रहूँगा जीएड डोज के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने दिया है 1024 बाइट तो बिल्कुल सही, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।